सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज। यूके टूरिस्ट वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसेस रहता है और मौके पे आज की डेट में ट्रेंड क्या है, आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें कि जिससे जो भी वीडियो आती रहे इस चैनल पर आप तक पहुँचती रहे। जब भी आप यूके का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ें हैं जिनका खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले जब भी यूके का वीज़ा अप्लाई करें तो एक आपका जो ट्रैवल गैप है ये होना ज़रूरी है, यानी कि जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद जो आपकी ट्रैवल डेट है इन दोनों के बीच में एक गैप हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। गैप इस तरीके से कि यदि आपने आज की डेट में आप बायोमेट्रिक देने जा रहे हो तो एटलीस्ट आपका जो ट्रैवल डेट है वो 2 महीने के आसपास बाद में हो। आप ऐसा ना करें कि फाइल लगाने जाएं और 15 दिन या 20 दिन बाद की अपनी ट्रैवल डेट रखें, उससे वीज़ा की सक्सेस रेट जो है वो बहुत डाउन आ जाती है। कई बार चांस ऐसा भी बनता है कि आपकी ट्रैवल डेट निकल जाती है और वीज़ा आपका नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम ना आए इसलिए सबसे पहले अपनी ट्रैवल डेट जो है वो 2 महीने बाद की रखें बायोमेट्रिक से। और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट स्टार्ट होती है वो सबसे पहले तो कॉमन डॉक्यूमेंट होते हैं जो हर किसी की फाइल में लगते हैं और हर एक कंट्री में ऑलमोस्ट लग जाते हैं, वो है आपका पासपोर्ट, देन आपकी ITR, बैंक स्टेटमेंट और इसके बाद आपकी फैमिली के ID प्रूफ। ये कॉमन डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको सबमिट करने होते हैं। इसके अलावा जो मेन डॉक्यूमेंट अब आते हैं जिनके बेस पे आपका वीज़ा निकलना होता है वो होते हैं आपके इनकम प्रूफ। क्योंकि कोई भी कंट्री है जब आप वीज़ा लेने जाते हैं, जब आप इन कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई करते हैं जैसे UK है, कनाडा, शेंगन, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज़ में क्या होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है ये कंप्लीट होने ज़रूरी होते हैं। यदि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है और आप अपने डॉक्यूमेंट में ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हो कि आपके पास रीज़न है इंडिया में वापस आने के, तो आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप जब डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें तो उस टाइम पे अपने इनकम डॉक्यूमेंट पे बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो ये प्रूव करते हैं कि आप इंडिया आ सकते हो वहाँ से, तो जिससे आपके वीज़ा के चांस बढ़ते हैं। तो इसलिए इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट कोई भी मिस ना करें। इनकम डॉक्यूमेंट जो है वो डिपेंड करते हैं कि आप क्या काम करते हो। यदि आप जॉब करते हो तो जॉब के डॉक्यूमेंट, जॉब में जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो होती है आपकी NOC कि आपके पास एक लीव लेटर है और कि आपकी कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके ट्रैवल पे। इसके बाद आपकी सैलरी स्लिप्स होती हैं, आपकी सैलरी स्टेटमेंट होती है, तो ये डॉक्यूमेंट होते हैं। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट होने के बाद आपकी जो फाइल है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद यदि आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट होने ज़रूरी है। बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स में क्या आता है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आती है, देन आपका करंट अकाउंट आता है, जो भी आप काम करते हो उसके सेल, परचेज या सर्विस के कोई बिल्स हैं वो साथ में लगा दें, तो ये आपके इनकम प्रूफ हो जाते हैं। इसके बाद अब आती है बात फार्मिंग वालों की। फार्मिंग वालों के जे फॉर्म होते हैं, क्योंकि जो उनकी फसल बिकती है तो उनको जे फॉर्म मिलते हैं जिससे प्रूफ होता है कि वो अपनी फसल बेच रहे हैं और वहाँ से कुछ पेमेंट आ रही है उनको। उसके बाद फर्द होती है जिससे प्रूफ होता है कि ज़मीन जो है उनके या उनकी फैमिली के नाम पे है। देन आफ्टर अब बात आती है पेंशन वालों की, जो रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन स्लिप, उनके पेंशन के प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। तो ये सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट होने के बाद आपके इनकम प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट लगाएं। इसके बाद अब बात आती है आपके ट्रैवल प्लान की। तो ट्रैवल प्लान में अपनी होटल बुकिंग्स, अपनी आइटनरी और एक कवर लेटर जिसमें आप मेंशन करें कि आप क्या पर्पज़ क्या ट्रैवल करने का और आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, कितने दिन रुकेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करें। इससे प्रूफ होता है कि आपका जो ट्रैवल प्लान है, आपका ट्रैवल रीज़न है वो जेन्युइन है। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट लगा के आप अपनी फाइल जो है वो सबमिट कर सकते हैं UK में। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट लिस्ट है। अब ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड जो है UK में, तो ये UK का ट्रेंड हमेशा ऑलमोस्ट एक सा ही रहा है। और ये जो ट्रेंड है इसमें हमेशा वो क्या है कि प्रोफाइल बेस पे वीज़ा देते हैं। आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो आपको वीज़ा लेने में प्रॉब्लम नहीं आती। अब यदि आपका वीज़ा अब रिफ्यूज़ हो जाए तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी फाइल देखें कि यदि वीज़ा ऑफिसर ने गलती करी आपकी फ़ाइल सबमिट करने में, तो आप रिएक्शन प्रोटोकॉल के लिए जाएं, आप एम्बेसी को चैलेंज करें। तो एम्बेसी फिर भी वीज़ा दे देती है क्योंकि UK में चैलेंज करना बहुत इजी है और उसमें बड़े इजीली जो है वो आपका वीज़ा जो है निकल जाता है। रिएक्शन प्रोटोकॉल में बहुत वीज़ा निकलते हैं, हमने भी रिसेंट में काफ़ी वीज़ा जो हैं वो शो करे थे इस चैनल पर कि जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद चैलेंज करने पर आया हुआ है।
तो आपकी भी ऐसी फाइल है, यदि आपने वीज़ा अप्लाई किया था और आपका रिफ्यूज़ हो गया तो आप चैलेंज कर सकते हैं। बट आपका रिफ्यूज़ल जो है वो 3 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जब आपका रिफ्यूज़ होता है उससे विद इन 3 मंथ आपको चैलेंज करना ज़रूरी है। तो ये थी अपडेट और डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन अबाउट UK टूरिस्ट वीज़ा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सत श्री अकाल।